की बढ़ती दरों, महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल कानून व्यवस्था, महिलाओं के साथ बढ़ती आपराधिक वारदातों, किसानों की अनदेखी, ऐसे कई मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ इनेलो कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इनेलो वर्करों ने आज पानीपत लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं सरकार के नाम एक ज्ञापन डीसी को सौंपा, जिसमें पेट्रोल, डीजल व खाद की बड़ी कीमतें वापस लेने की मांग की गई। बता दें कि लगातार बढ़ती पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम से नाराज इनेलो के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पानीपत में लघु सचिवालय के सामने फ्लाईओवर के नीचे बीजेपी जेजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वर्करों ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने से आम लोगों का जीना मुहाल हो गया है। गुस्साए इनेलो नेताओं रणवीर देशवाल व धर्मवीर ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों से मजदूर, किसान व आम आदमी परेशान है। लोग भाजपा सरकार से पूर्ण रूप से तंग आ चुका है। प्रदेश सरकार जनता के हितों की रक्षा व सुरक्षा करने में पूर्ण रूप से नाकाम साबित हुई है। प्रदेश में महिलाओं से दुर्व्यवहार, चोरी, हत्या की घटनाओं से कानून व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। इसीलिए इनेलो नेताओं ने पानीपत के लघु सचिवालय में पहुंचकर डीसी को सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा और मांग की कि जल्द से जल्द खाद व पेट्रोल, डीजल के बड़े दामों की कीमतों में कटौती की जाए, अन्यथा वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। देखो, किसानों के विरोधी जो मोदी सरकार ने जो इतना अत्याचार कर रही है किसानों के, मजदूरों को, व्यापारियों को, जो इन्होंने वादे करे थे सब वादे से विफल हो रहे हैं। आज 300 किसान शहीद हो गए हमारे, उनका एक शब्द भी इनकल बोलने के लिए नहीं है। आज खाद का रेट आपके माध्यम से आप ही ने पूछा मुझसे क्वेश्चन, कहाँ 1200 का रेट था, कहाँ 1900, 700 रुपये किसी गवर्नमेंट में। ये कहते हैं कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, आय दुगनी तो क्या, उनको मार दिया बिल्कुल ही। और डीएपी के रेट है, डीजल के रेट है, क्या नहीं हो रहा है बताओ। अब मजदूरी रेट अलग आए, आज एक किलो के मजदूरी के लिए भी 400-500 रुपये दिहाड़ी रेट लग गए हैं। पिछली बार जब उसकी फसल की क्या हुई थी, क्या नाम, जीरी की कटाई की, वहाँ से मजदूर चले गए थे यहाँ से बिहार के लोग। जब किसानों ने अपने मजदूरों के लिए अपने कराए इकट्ठे करा, 4000 रुपये एकड़ के हिसाब से मजदूरों ने ली थी, बताओ कहाँ से देगा किसान, उसकी लागत भी नहीं पूरी नहीं होती। तो आज ये डीजल के रेट बढ़ा दिए, इससे बढ़कर तो क्या गुनगुना हरकत करे किसानों मजदूरों के साथ, ये व्यापारियों के साथ भी यही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सरकार की जो खुली नीति है कि बाजार नीति है, बाजार के अनुसार भाव होंगे, ये गलत है। ये गलत है बाजार की नीति, क्या जब आपने एमएसपी रेट दे दी है, उस रेट पे भी नहीं खरीदा जा रहा। क्यों कभी अब 14 पिछले साल 14 मॉइस्चर का रेट होता था, अब ये 12% मिले, 12 भी ठीक हो रहा है, 12 के बजाय भी फिर भी किसानों को तंग किया जा रहा है वहां पर, उसका काट कटौती की जा रही है 500 ग्राम या 600 ग्राम के करीब। तो किसानों के टांका मार रहे हैं, उधर डीजल रेट हो गया, इधर डीएपी का रेट बढ़ गया, और क्या चाहिए, मजदूरी रेट बढ़ गई और किसानों कोई वो नहीं हो रहा है। ज्ञापन किसके नाम, क्या मांग किए, हमने मांगो ये कि एक जो ये रेट बढ़े हुए हैं खाद के रेट, उनको वापसी किया जाए, जो हमारी जो डिमांड है किसान उसकी, तो हमारे जो इनोड पार्टी के जितने पदाधिकारी कर रहे हैं सभी इकट्ठे होकर चौधरी अभय सिंह नेतृत्व में, ओमकार चौटाला जी नेतृत्व में आज हम ज्ञापन दिए डीसी के माध्यम से। ये हमारा विज्ञापन है कि वहाँ पर गवर्नर को पहुंचा जाए, अगर ये वापस नहीं होते तो हम तो सड़कों पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे पूरा है। सारे हरियाणा में विज्ञापन जा रहा है भाई, यानी एक एक जगह, यानी यहाँ जैसे मैं प्रभारी हैं और भी पानीपत में, सिरसा में, हिसार में, भिवानी में, मेवात में, करनाल में, क्या नहीं सब जगह ये विज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज का मुख्य उद्देश्य है जो बीजेपी सरकार ने खाद के रेट बढ़ाए हैं और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, पेट्रोल के, और किसानों को जो 3 अध्यादेश लेने इन्होंने लाने का जो काम पिछले 4 महीने से किसान बैठ रहा है, तो आज उस कड़ी में हमने किसानों के जो बुझाई के समय में खार के रेट इन्होंने बढ़ाए हैं, उसके विरोध में हम डीसी को ज्ञापन देंगे, राज्यपाल को, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को, राष्ट्रपति को, कि ये जो किसानों के खाद के रेट बढ़ाए हैं इनको कम किया जाए और महंगाई को चरम सीमा पर जो पहुंच रही है उसको रोकने का काम किया जाए। रेट बढ़े पहले से कितना, पहले 1200 था, आज 1900 रुपये पर बैग का हिसाब से 700 रुपये के करीब बढ़ा है।
तो हमारी तो यही इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की मांग है कि जो पिछले तरह रेट के खाद के भाव थे उसी कड़ी में भाव रहने चाहिए, ताकि किसान की कर्म पहले ही टूट चुकी है, उस महंगाई में आज किसान डूबता जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है, तो उसकी जहां MSP गेहूं फसल पे नहीं है तो खार का भी रेट इनको कम करना चाहिए, ताकि उनका फसल का उचित भाव मिले और खार कम रेट पर होना चाहिए, हमारी यही मांग है। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।